मेहर, मानव, बल्लू। अब मेहर, ये लो आरती की थाली। तुम मानव और बल्लू को भी बुला लो राखी बांधने के लिए, मैं बाकी की चीजें लेकर आती हूँ। अरे बल्लू लल्लू किधर गया? अरे रेडी हो रहा होगा, आ जाएगा। चल दुबा डुबा एक ये लो, ये रूप बदलू गोली खाकर बल्लू बन के जल्द से जल्द बाहर आ जाओ और कोई गड़बड़ मत करना। अरे हूँ मैं तो, काहे की चिंता मित्र, तुम चलो मैं आया। अरे वाह बच्चों, इन कपड़ों में तो बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू दादाजी। अभी देखा मानो, मैंने बोला था ना बालवीर जरूर आएगा। पता है दादाजी, वो बल्लू लल्लू कह रहा था बालवीर आएगा ही नहीं। हे रूप बदलू गोली, बदल जाए मेरा रूप वैसा बल्लू के जैसा। आ गया हूँ मैं, राखी बांध ले। मैं आपको राखी क्यों बांधूं? तूने ही मुझे बुलाया, अब तू ही राखी बांधने से मना कर रही है। अरे राखी तो भाई को बांधी जाती है, पापा को नहीं। तो मैं भाई तो हूँ, पापा कहाँ हूँ? अरे जरा देखिए अपने आप को, अब पापा है। हाँ मजाक कर रहा था मैं, अभी बल्लू को भेजता हूँ, बल्लू को भेजता हूँ मैं। चवाई, तुम लोगों ने अभी राखी बनने की तैयारी नहीं की? अरे महेश, तू तो वहां गया था ना, तो यहां से कैसे आया? अरे बाबूजी, मैं जहां था वहीं से आ रहा हूं। तो वहां गया वो क्या तेरा भूत था? बेकार में इतनी देर कर रहे। महर बालवीर को मर्क्यूरी वाली राखी बांधे तो हम बालवीर के अंत की शुरुआत करें। कहा था लटपट परी ने कि समय के कमी होने के कारण कर नहीं पाए इन गोलियों का परीक्षण, इसलिए है बनाई उन्होंने इतनी सारी गोलियां। अब ये दूसरी गोली शायद करे एक सही असर। अरे हो रही है मुझे जाने में देर। चलो चलो चलो, बांध लो मुझे राखी तुम मेहर। लगता है इस बार भी रूपत गोली ने ऐसा नहीं किया, अब क्या होगा? अरे ये सब हो क्या रहा है स्मिता? अरे भाई तुम्हें बच्चे राखी क्यों बांधेंगे? मैं तुम्हारे गले में सोने का हार बांधूंगा और तुम्हारे बालों में गजरा बांधूंगा। हाँ स्मिता, स्मिता वो मैं एक जरूरी चीज भूल गया था। गई थी तो मैं लेकर आता हूँ। आती हूँ। महेश महेश, ये देखिए गजरा कैसा लग रहा है। स्मिता मैंने अभी अभी कहा गजरे के बारे में, तुम डाल के भी आ गई। लेकिन बहू तुम तो वहां से गई थी ना, तो यहाँ से कैसे आई? नहीं बापूजी, मैं जहाँ थी वहीं से आ रही हूँ। ये घर में हो क्या रहा है? अरे करू क्या, करू क्या? ए रूप बदलू गोली बना दे सचमुच इस बार मुझे बदलू। बदल जाए मेरा रूप वैसा बल्लू के जैसा। ये लो बल्लू भी आ गया। बल्लू लल्लू कहाँ रह गया था तू? कम से कम आज के दिन तो टाइम पे आ जाता। मेहर बेटा आज के दिन तो उसे छोड़ दे। बालवीर, मानव, बल्लू तुम लोग लाइन से यहाँ बैठ जाओ। मेहर तिलक करो और राखी बांधो। सिर्फ राखी नहीं है, एक सेल्फी राखी है।
गए हैं और उसका बटन दबाकर उस राखी को एक्टिवेट भी कर दिया है। चातुर परी, अब तुम्हें बालवीर के पास जाना है और इस रिमोट को उसकी तरफ करके इसका बटन दबाना। बहुत जल्द तुम्हारा काम और बालवीर का काम तमाम होगा। मेरा गिफ्ट चाहिए क्या? मानव मैं तुझे पीट। अरे लाया हूँ लाया हूँ। थैंक यू मानव। वेलकम। हाँ मगर ध्यान रहे, इस रिमोट का बटन दबाते वक्त बालवीर के सामने कोई नहीं होना चाहिए। इस रिमोट की तरंगे सीधे मर्क्यूरी की राखी को लगनी चाहिए, वरना ये असर नहीं करेगी। ऐसा ही होगा। आज बालवीर मर्क्यूरी पुतला जरूर बनेगा। बेचारा बालवीर, उसे तो पता ही नहीं जिसकी रक्षा का वो वचन ले रहा है, उसने ही बालवीर को खतरे में डाल दिया। शुक्रिया मेहर। गिफ्ट? थैंक यू बल्लू। आज प्रचंड का बहुत खुश है तबा तबा। दूसरे हजारों बच्चों ने बालवीर के नाम से भेजी हुई हमारी मर्क्यूरी राखी भी बंधवा ली। अब कुछ ही पलों में बालवीर पहले मर्क्यूरी का पुतला बनेगा और उसके बाद वो सारे बच्चे जिन्होंने हमारी मर्क्यूरी राखी बांध ली वो भी मर्क्यूरी का पुतला बनकर नष्ट हो जाएंगे। मर्क्यूरी पुतला बनने के लिए तैयार हो जाओ बालवीर। अब जी, मैं दो मिनट में आता हूँ। मुझे भी जाना होगा, मुझे स्कूल जाना है। तू स्कूल जाएगा? मुझे पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि बच्चों से राखी बंधवाने के लिए स्कूल जाना है। मुझे भी बालवीर के पीछे स्कूल जाना चाहिए। मोंटू तो यहाँ है ही नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि वो कहीं छुप गया हो। मनीष, हम सब मोंटू के पीछे छुप सकते लेकिन मोंटू किसी भी चीज के पीछे नहीं छुप सकता। चाहे कुछ भी हो, आज तो मोंटू को राखी बांध के ही रहेंगे। हाँ। मैं इन पिग्गियों से राखी नहीं बनवा सकता, वरना इनका भाई बन के इनको परेशान करने की जगह इनको बचाना पड़ेगा। भागो पकड़ो। हाँ,
इन लोगों ने भगा भगा के तो थका डाला यार। ये लोग आ गए, मैं यहाँ चुप जाता हूँ। पहले मुझे जल्दी। बॉस मैं क्या करूँ? अरे तू इधर जगह नहीं है, तू भाग इधर से। भागो भागो। ये मोंटू कहाँ चला गया? भागा भागा आगे, उसने मैं थका दिया। कहाँ गया ये मोंटू? हाँ कब से ढूंढ रहे उसे? मिल ही नहीं रहा। पर चाहे कुछ भी हो, आज तो हम मोंटू को ढूंढ के उसे राखी बांध कर ही रहेंगे। हाँ, बांध कर रहेंगे। अभी मुझे मोंटू की आवाज आई। हाँ वो देखो वहाँ रोहित है। रोहित वहाँ तो मोंटू भी वहीं होगा। चलो ये रोहित का बच्चा पहले नहीं दिख सकता था। थैंक यू बालवीर, तुम हम सबसे राखी बनवाने आए हो। शुक्रिया तो मुझे आप सबका करना चाहिए, क्योंकि आप सब मुझे अपना भाई मानकर मुझ पर ये विश्वास करती है कि मैं आपकी रक्षा जरूर करूंगा। चलो मुझे राखी बांधो। तुम सबके लिए मैं तोहफे भी लाया। थैंक यू बालवीर। रानी परी कह रही थी कि मुझे राखी से सावधान रहना होगा। अब भला मुझे राखी से क्या खतरा हो सकता है? और रानी परी भी मेरी चिंता करती रहती है। बालवीर अभी अकेला है शातिर, ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। लग गई इस रिमोट की तरंगे बालवीर के हाथों को लग गई। बस अब कुछ ही देर में बालवीर मर्क्यूरी का पुतला बन जाएगा। नहीं ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है? इस रिमोट की तरंगी तो बालवीर के हाथों को लगी थी, तो बालवीर मर्क्यूरी का पुतला क्यों नहीं बना? अब बालवीर ये देखो तुम्हारी राखी, शायद सबसे राखी बनवाते समय तुम्हारी ये राखी गिर गई। इस मर्क्यूरी की राखी को भी अभी गिरना था। शुक्रिया मानव, लो बांधो मुझे। हाँ। जाने दो, इसे मत बांधो, लगता है इसका धागा कमजोर है, मत पहनो इसे। ये क्या कर रहे हो तुम मानव? अगर बालवीर ये राखी नहीं पहनेगा तो मैं इसे मर्क्यूरी का पुतला कैसे बनाऊंगी? भाई बहन की राखी का धागा कभी कमजोर नहीं हो सकता, क्योंकि उनका प्यार कभी कमजोर नहीं होता। बांधो इसे। परियो खुश रहो, खुश रहो रानी परी, खुश रहो। लगता है किसी बुरी शक्ति ने रानी महल में प्रवेश किया है। रानी परी पर इस समय तो सिर्फ बल्लू ने प्रवेश किया है, इसका मतलब ये बल्लू नहीं है, कोई बुरी शक्ति है। अरे नहीं नहीं परियो, नहीं 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 परियो, नहीं परियो रुक जाइए अभी तार परे। वो मैं आपका डूबा डूबा एक, ना कि कोई बुरी शक्ति। डूबा डूबा एक? अगर आप डूबा डूबा एक हैं
तो आपके प्रवेश करते ही सुरक्षा बोबो क्यों बजा? वो बता सकता है वो मैं कैसे? आप कह सकता हूँ मैं तो सिर्फ इतना कि हूँ मैं आपका डुबा डुबा एक। चाहिए तो कर लीजिए आप जांच। जांच तो करनी ही होगी। आज पर परी आप तुरंत डुबा डुबा एक की जांच कीजिए। जी रानी परी। रानी परी ये तो डुबा डुबा एक ही है, तो फिर सुरक्षा भोपू बजने का और क्या कारण हो सकता है? कारण तो डुबा डुबा एक ही है। अब भी मैं रानी परी, पर क्यों? क्योंकि हो ना, धरती से किसी बुरी शक्ति ने आपके साथ रानी महल में प्रवेश किया है और इसीलिए जांच तो हमें करनी ही होगी। बार परी आप डूबा डूबा एक की जांच कीजिए। जी रानी परी। इस राखी के साथ ही कोई बुरी जादुई शक्ति जुड़ी हुई है रानी परी। डूबा डूबाए आप तुरंत इस राखी को अपने हाथ से निकालिए। जी डुबा डुबाए, ये राखी आपको आखिर किसने बांधी है? बांधी ये राखी तो मेहर ने हम सबको, मुझे मतलब बल्लू को, मानो को, बालवीर को। हमें शक है कि ये कोई घातक हथियार ना, इसीलिए सुबह से हमारा मन घबरा रहा था। परियो बालवीर खतरे में और इसीलिए हमें उन्हें तुरंत सावधान करना होगा। नटखट परी आप इस राखी की जांच शुरू कीजिए। बालू लल्लू, मानव, सलोनी, पलक, ये लोग कहाँ चले गए? महर, अरे भट्टादी परी आप यहाँ? बातें कुछ ऐसी है महर, आपने जो राखी बालवीर को बांधी वो आपको किसने दी थी? वो मुझे किसी ने दी नहीं थी, मैंने खरीदी थी स्कूल के बाहर एक दुकान से। दुकानदार से? महर क्या आपको उस दुकानदार ने अलग से बुला के ये राखी दिखाई थी? मेरे पास एक खास राखी है। हाँ दादी ने कहा था वो राखी बहुत ही खास है और वो थी भी। लेकिन भटकाती परी आप इतने चिंतित क्यों हैं और मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि महर जिसने आपको ये राखी दी वो अवश्य प्रचंडिका ही होगी, और अगर ऐसी बात है तो बालवीर की जान खतरे में हो सकती है। रानी परी की ये चिंता सही थी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।